बहिष्कार करते हैं, हमारा बात को नहीं मानेगा। आदिवासी और पिछड़े वर्ग के समाज के लोग कई पीढ़ी से हैं, यही जन्म बहिष्कार करते हैं, यही जन्म लिए हैं। सरपंच पद तक हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, कुछ नहीं सरपंच पद का, कुछ नहीं हमारा दिल, हमें उम्मीद था। सीएम की इस सभा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल सीएम भूपेश बघेल जब सभा को संबोधित कर रहे थे, लोकसभा को छोड़कर जाने लगे। जगदलपुर में छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। सम्मेलन में पिछड़ा वर्ग की ओर से 27% आरक्षण और पेशा कानून की मांग रखी गई, लेकिन जब इन मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर सभा में आए लोग नाराज हो गए और सभा छोड़कर चले गए। टेक्निकल कारण है, हमारे खाली ओबीसी के लिए टेक्निकल है। अभी यदि विधायक सांसद का तनख्वाह बढ़ाना है, उनको कानून बना के वो लोग अपना वो कर लेते हैं, और हमारे ओबीसी के लिए कानून नहीं बन सकता क्या? कौन सा ऐसा है जो कानून नहीं बनता? क्या कानून बन सकता है? ना बना सकते हैं। अब भारत सरकार के ऊपर थोप दिए, आप यहाँ से वो करके भारत सरकार को भेजो, उसके बाद हम भारत सरकार के से बात करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनके लड़ाई भी लड़ेंगे, उनको भी तो हमारे से वोट लेना है कि नहीं। बताया जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल के सामने जब पिछड़ा वर्ग के लोगों ने अपनी मांग रखी तो सीएम ने तकनीकी दिक्कतों का हवाला देकर इसको एक तरह से मना कर दिया। सीएम भूपेश बघेल की माने तो पेशा कानून और आरक्षण को लेकर लोगों के मन में गलतफहमियां हैं, जिसे दूर करने की जरूरत है। आज पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के द्वारा बड़ी संख्या में एक सम्मेलन कराया गया, जिसमें प्रमुख रूप से पेशा एक्ट के बारे में और आरक्षण के बारे में चर्चा हुई। बहुत सारी भ्रांति पेशा एक्ट के मामले में है, उसे दूर करने की ज़रूरत है। जैसे जिस प्रकार से कहा, प्रदेश स्तर पर जो संगठन बनेगा उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को होना चाहिए, जबकि पेशा एक्ट में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पेशा एक्ट में केवल ग्राम सभा ही प्रमुख है और वहाँ जो फैसला होगा उसे उसमें जो गाँव में रहने वाले लोग हैं उसको समुचित अनुपात में उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना है। दूसरी बात जो आरक्षण की बात है, तो आरक्षण में हाई कोर्ट में जो क्वांटिफाइबल डाटा है उसे एकत्रित हम लोग कर रहे हैं पटेल आयोग के द्वारा, और जैसे वो एकत्रित होगा हम हाई कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और वो आरक्षण का लाभ यहां लोगों को मिलना शुरू होगा। आपको बता दें कि लोगों की नाराजगी को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल सभा स्थल से सीधे सर्किट हाउस चले गए, लेकिन इस घटना के बाद से सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जगदलपुर से धर्मेंद्र महापात्रा की रिपोर्ट, MP तक।